हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रैम्पेज फ्लिप का लेवल 2 कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लोग अभी तक नहीं पता है तो ये मैं आपको बता दूँ कि आज फिर से 2 टोकन फ्री फायर ने मेल में भेजे हैं हमको, और यहाँ पर से आप मेल में से 2 टोकन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस, मेरे को वोल्ट में ऑलरेडी 2 टोकन दिखा रहा है, तो कल मैंने अपने सारे टोकन रिडीम कर लिए थे, उसके बाद भी मेरे को 2 टोकन वोल्ट में दिखा रहा है। तो ये आपको भी आए होंगे गाइस, वोल्ट में अपने आप आ गए होंगे, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। ये मेल वाले नहीं है, वोल्ट में ऑलरेडी दिखा रहे हैं मेरे को 2 टोकन, और या फिर ये वो वाले होंगे। मैंने शुरुआत में 2 टोकन मेरे ना ही स्पिन हो पाए थे और ना ही क्रॉस हो पाए थे, ना ही फ्लिप हो पाए थे, ना ही क्रॉस हो पाए थे, वो वेस्ट ही हो गए थे, एकदम से गायब हो गए थे सर्वर की वजह से, बैड सर्वर, बैड नेट कनेक्शन की वजह से। तो शायद फ्री फायर ने मेरे को वापस भेजे होंगे, लेकिन अगर आपको भी मिले होंगे और आपको पता होगा कैसे आए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 2 टोकन तो वो हो गए गाइस, 2 टोकन ये वाले क्लेम करते हैं और 2 टोकन रैम्पेज फ्लिप वाले भी क्लेम कर लेते हैं। ओके गाइस, फिर 2 टोकन आपको फिर से एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, तो आज के 4 टोकन और 3 दिन के, अगले 3 दिन के 6 टोकन, तो टोटल अभी 10 टोकन आपके पास और है स्पिन का फ्लिप करने के लिए, और आप रैम्पेज फ्लिप में जरूर जाके फ्लिप कीजिए। और उम्मीद करता हूँ गाइस, आपका अभी तक लेवल 1 कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए अब लेवल 2 पे कंप्लीट करने की बाजी आ चुकी है। अगर आपको लेवल 1 पे मेरी वीडियो देखनी है तो आप लेवल 1 पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में और आसानी होगी। और आप अपना, अगर आपका लेवल 1 कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप वो वीडियो देखिए, और कंप्लीट हो चुका है तो भी आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको लेवल 2 समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो लेवल 2 लेवल 1 की वीडियो का आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे कौन सी ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ, और वही ट्रिक मैंने लेवल 1 में भी बताई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक रो भी बनाया है और मैं डायगनली रो को बनाने वाला हूँ, और अगला स्पिन मैं ये वाला करने वाला हूँ कि अगर स्पिन फ्लिप हो गया तो अच्छी बात है, और अगर ये वेस्ट क्रॉस हो गया तो ये मैं इन 3 रो में फ्लिप नहीं करूँगा, इस रो में और इन 3 रो में फ्लिप नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस रो में फ्लिप करते हैं अगला, और देखते हैं फ्लिप होता है। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड, फ्लिप हो गया है। चलिए गाइस, और ये मेरे को एलएफए सनी ने बताया था कि डायगोनल रो में आपको बनाइए, डायगोनल रो में उनका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों डायगोनल रो में कंप्लीट हुए हैं। तो मैं पहले ये वाली रो बनाने वाला था, लेकिन एलएफए सनी की उस बात के बाद उन्होंने कमेंट करके बताया हमको, इसलिए मैं डायगोनल बना रहा हूँ। तो अगला फ्लिप मैं ये वाला करने वाला हूँ। बहुत आर्ट बहुत आर्ट बहुत आर्ट। तो गाइस, डायगोनल में उम्मीद जगती आ रही है, और अभी तक 2 फ्लिप करे हैं, 4 4 से बचे, लास्ट डायगोनल फ्लिप करते हैं। ओह, तो एलएफए सनी ने बिल्कुल सही बताया था हमको। तो गाइस, एलएफए सनी को बिग शाउट आउट, और एलएफए सनी ने हमको बिल्कुल सही बताया था, डायगोनल रो बन रही है, और काफ़ी सारे लोगों की बन रही होगी, लेकिन कुछ कुछ अकाउंट में शायद नहीं बन पाए, तो वो भी मैं बताऊंगा कुछ कुछ अकाउंट में क्यों नहीं बन पाएगी। कुछ अकाउंट में फ्री फायर कुछ ज़्यादा हार्ड है, जाता ही उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ठीक है, तो गाइस, ये हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और ये लेवल 2 का आपको रिवॉर्ड क्लेम हो जाएगा, ये आपको करेक्टर का लेवल कार्ड मिलेगा, और ये हमको मिल चुका है करेक्टर का लेवल कार्ड। वेरी गुड वेरी गुड, अब लेवल 3 खुल चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 3 ऑलरेडी खुल चुका है। तो फिर से हम डायगोनल रो बनाने की कोशिश करते हैं, 3 चांसेस है वो मैं इसी वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला करते हैं, अगर ये फ्लिप हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये फ्लिप नहीं हुआ तो इस रो में, इस रो में और इस रो में अगला फ्लिप हम नहीं करने वाले हैं, तो फ्लिप करते हैं इसको। ओके वेरी गुड, ये तो फ्लिप हो गया, अच्छी बात है। चलिए अगला फ्लिप ये वाला करने वाले हैं, सेम चीज़ के लिए, अगर फ्लिप हो गया तो अच्छी बात है, वरना इस रो में और इस रो में और इसके इससे जुड़ी हुई सारी रो में फ्लिप नहीं करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके फिर से फ्लिप हो गया, फिर से फ्लिप हो गया, फिर से फ्लिप हो गया। तो लेवल 3 पे भी क्या डायगोनल रो बन जाएगी, तो अब इस पे फ्लिप करते हैं और देखते हैं। और ये लीजिए, एरर, प्लीज़ क्लोज दी प्रीसेट टायर अगेन। अरे यही एरर की वजह से मेरा एक चांस चला गया था, शायद उसी वजह से फ्री फायर ने मेरे को वापस 2 चांस वापस भेजे। तो उम्मीद करता हूँ अभी चांस रहे, मैं वापस फ्री फायर को वापस रिलोड करता हूँ इस पेज को। ऑलराइट गाइस, मैंने रिलोड करा पेज को, तो ऑलरेडी ये फ्लिप हुआ मिला मेरे को, और ये देख सकते हैं आपको, ये पूरा फ्लिप हुआ मिल चुका है मेरे को, और फ्लिप करने के बाद, रिलोड करने के बाद फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब सिर्फ मेरे को एक और फ्लिप करना और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, डायगोनल बिल्कुल एल्फा सनी ने बिल्कुल सही कहा था, काफ़ी अच्छी टिप उन्होंने हमको दी, और ये काफ़ी सारे अकाउंट में वर्क कर सकती है। तो गाइस, आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा डायगोनल रो में फ्लिप कीजिए, और इस वाली डायगोनल रो में फ्लिप कीजिए, क्योंकि इस वाली डायगोनल रो में मेरा नहीं बना था। तो इस वाली डायगोनल रो में फ्लिप करिए गाइस, और इस वाली डायगोनल रो में ज़्यादा चांसेस आपके बनने के, 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके इस वाली डायगोनल रो में बनने के हैं। तो इसी डायगोनल रो में फ्लिप करिएगा गाइस, आज आपको 4 चांसेस मिलने वाले हैं, और ये वाली डायगोनल रो में फ्लिप करिएगा, चाहे आप कोई से भी लेवल पे, लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 पे हो।
तो अभी हमको 6 फ्लिप और 6 चांसेस और मिलेंगे, तो मेरे को तो ऑलरेडी इलाइट पास मिल रखा है, तो मेरे को तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेवल 3 कंप्लीट होने से। लेकिन गाइस आपके लिए काफ़ी काम आएगी ये ट्रिक है, तो लेवल 3 अपना आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लाइट पास ले रखा है। चलिए अब रिवॉर्ड देखते हैं हमको क्या क्या मिले कलेक्शन में जाके। तो ये रही MP40, इस पर न्यू लिखा रहे, 3 दिन के लिए मिली है हमको, और ऑलरेडी हमारी वो वाली MP40 है गियर अप इवेंट वाली, तो मैं इस वाली को नहीं लूँगा, ये गियर अप वाली इससे ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेंज ज़्यादा है लेकिन इसका डैमेज डबल है, डैमेज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस मैं आपको एक ऐसा अकाउंट दिखाने वाला हूँ जिसके साथ काफ़ी रेयर किस्से हुए हैं, और उस अकाउंट में इस ट्री की काफ़ी वो है, तो इस ट्री को क्लेम कर लीजिएगा, ये ट्री काफ़ी काम आने वाला है आपका, ठीक है, ये पाइन ट्री, तो ये जितने भी आपके पास क्लेम कर लीजिएगा। और गाइस वर्ल्ड के अंडर करेक्टर लेवल 6 कार्ड आ चुका है। तो गाइस ये है वो अकाउंट, ये सुजीत श्रेष्ठा का अकाउंट है, और काफ़ी इनके साथ रेयर किस्सा हुआ है, तो ये हमारी ट्रिक यूज़ भी करते हैं या फ्लिप वाली, तो भी इनकी रो बनने में काफ़ी मुश्किलें आने वाली थी, क्योंकि इनके इतने सारे फ्लिप क्रॉस निकले हैं, क्रॉस 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 निकले इतने सारे फ्लिप, तो इनकी अगर फ्लिप देखा जाए तो इनका पूरा एक ही सिर्फ एक रो बन सकती है, एक रो बनने के चांसेस है। तो फ्री फायर ने इनका इतनी रेयर सेटिंग करी है कि अगर ये कोई भी फ्लिप कर देते इनकी सिर्फ एक फ्लिप में रो, एक रो में फ्लिप करने पे बनने वाला था, बाकी सारे किसी भी रो में फ्लिप करने पे नहीं बनने वाला था, तो डायगनली वर्टिकली सिर्फ एक रो, सिर्फ एक रो बनने वाली थी और बाकी रो नहीं बनने वाली थी। तो ये देख सकते हैं आप कितना कितना रेयर किस्सा हुआ है इनके साथ, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है तो गाइस आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए गाइस इन्होंने सिर्फ दो दो फ्लिप हुए इनके, बाकी इनको रिवर्स तो मिले होंगे लेकिन वो क्रॉस हो चुके हैं, और इनके साथ काफ़ी बुरा हुआ, और ये कह रहे थे कि मेरा लेवल कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन लेवल 1 तो इनका कंप्लीट हो जाएगा, लेवल 2 भी कंप्लीट हो सकता है। और अब इनको सजेस्ट यही किया है कि डायगनली रो बनाए, अल्फे सनी ने भी इनको बोला था कमेंट करके, रिप्लाई किया था। उसके अलावा गाइस मैं अभी पाइन ट्री की बात कर रहा था आपसे, तो ये सेम अकाउंट है, ये भी सुजीत का अकाउंट है, इनके साथ एक अच्छी चीज़ भी हुई एक बुरी चीज़ हुई, तो एक अच्छी चीज़ भी हुई, इनको पाइन ट्री के किसी ने पाइन ट्री लगाया गाइस, और इनको उसके अंदर 100 डायमंड मिले, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 डायमंड मिले। तो इन्होंने पहले सोचा यार मेरी नेटवर्क वेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ मतलब वो नहीं है, लैगिंग की वजह से हो रहा हुआ है, कुछ हो रहा हुआ है, ये ग्लिच वगैरह है, लेकिन जब ये बाहर आए तो इनके अकाउंट में रियली 100 डायमंड प्लस हो चुके थे, इन्होंने मेरे को बताया। और ये गाइस से पाइन ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी पाइन ट्री लगाए तो उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, भाग के जाइएगा और लूट लीजिएगा, क्या पता आपको भी 100 डायमंड मिल सके, और कम भी और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो पाइन ट्री में, या कोई भी आपके साथ विचित्र किस्से हुए हों, तो आप मेरे को जरूर शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए इस हर चीज़ के बारे में, हर फ्री फायर के इवेंट के बारे में, तो जरूर 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 गाइस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। ओके गाइस वीडियो के अंत तक देखने के लिए क्लैपिंग। ओके गाइस बाय।